will switch a very important concept, very important topic. The important topic is excretory system of human. यानी starting हमारा chapter start हुआ तो वो था the definition of excretion. एक्सक्रीशन की डेफिनेशन को एक मरतबा और रिवाइंड करा देते हैं. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, सेपरेशन, कलेक्शन एंड एलिमिनेशन. क्या क्या कर रहे हैं बस तीन स्टेप में. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, तैयार किया गया. तैयार कैसा हुआ, प्रोटीन को तोड़ा गया, अमाइनो एसिड बनाया गया, अमाइनो एसिड को तोड़ा गया, फिर वहाँ पर अमोनिया बनाया गया, अमोनिया को फिर प्रोसेस किया गया, यूरिया बनाया गया, यूरिया को फिर प्रोसेस किया गया, यूरिक एसिड. तो क्या हो रहा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन. बाद में ये जो बन गया सब ब्लड के अंदर मिक्स है, इसको सेपरेट कर कर कलेक्ट करना है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, सेपरेशन, कलेक्शन एंड उन तमाम को जमा कर दिया जाता है, जमा कर कर बॉडी से बाहर फेंक दिया, एलिमिनेशन. इसी को कहते हैं हम एक्सक्रीशन, है ना. तो अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, ये जो प्रोसेस फॉर्मेशन, सेपरेशन, कलेक्शन एंड एलिमिनेशन, ये सिस्टम ह्यूमन के अंदर एक सेपरेट सिस्टम बनाएगी, ये पूरा काम करती है, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम. यानी द सिस्टम विच एक्सक्रीट. व्हाट इज द एक्जैक्ट मीनिंग ऑफ एक्सक्रीट, टू रिमूव आउटसाइड द बॉडी, टू गिव आउटसाइड द बॉडी, कराने का. तो ये काम करते वक्त यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स को बनाकर मिलकर सिस्टम तैयार हुई, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो नंबर वन इज अ पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनीज हैं यहाँ पर, उसके बाद दो यूरेटर्स, उसके बाद एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर और एक सिंगल यूरेथ्रा. अब मेल में यूरेथ्रा की लेंथ अलग है, नाम अलग है, हम उसको डिटेल देखने वाले. सो दिस इज द फोटोग्राफ. यहां पर दो किडनी है और दो यूरेटर्स है, एक यूरिनरी ब्लैडर है एंड दिस इज सिंगल यूरेथ्रा. ओके, नाउ विल पुट इंडिविजुअली, हम एक एक को इन डिटेल में देखेंगे. पहला है किडनी. ओके, ये सी इन द फोटोग्राफ, हियर इज अ किडनी, ये किडनीज है यहां पर. तो किडनीज के डिटेल में हम देखने वाले. किडनी को साइंटिफिकली यानी कॉमन इंग्लिश में तो हम किडनी कहते हैं और साइंटिफिक बायोलॉजिकल टर्म में उसे रेन कहा जाता है. इट इज कॉल्ड एज द RENE, रेन. सो अब ओरिजिन, द किडनी ओरिजिन किसे कहते हैं. ओरिजिन उसे कहा जाता है जब एक बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, एक बच्चा बन रहा है, तो बनते वक्त उसकी किडनी कहाँ से कौन सी सेल्स को लेकर बनती है, उसे कहा जाता है ओरिजिन. तो जब डेवलपमेंटल स्टेज में उसके मीजोडर्म के सेल्स को जब यूज़ किया जाता है, उसको बनाते वक्त अलग अलग ऑर्गन अलग अलग सेल से बनते हैं, तो ये मीजोडर्म से बनते, इसलिए मीजोडर्मल का. किडनी का जब कलर देखा गया तो इट इज़ अ डार्क रेड इन कलर. शेप होता है बिल्कुल एक काजू की तरह, बीन शेप, या फिर जो तो एक फली होती है जिसे हम बीन फली कहते हैं, बीन शेप्ड होता है या कैश्यूनट शेप होता है. अगर एक साइज देखते हैं हम किडनी का, द साइज ऑफ द किडनी इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ में 10 सेंटीमीटर के करीब होती है, 5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ान होती है और थिकनेस में 4 सेंटीमीटर की जाड़ी होती है. इतना साइज उसका किडनी का होता है. अब एग्जैक्टली किडनी होती कहाँ है ह्यूमन के बॉडी के अंदर, अभी सवाल आता है कि भाई किडनी किडनी बार होती कहाँ है, पैर में है क्या, ऊपर है. एग्जैक्ट लोकेशन में किडनी इज प्रेजेंट टू द अटैच्ड टू द डॉर्सल वॉल ऑफ द बॉडी. अभी देखिए, ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का ये जो पार्ट है, इस फ्रंट पार्ट को यहाँ पर सामने को इसे वेंट्रल कहते हैं और ये पीछे के पार्ट को डॉर्सल कहते हैं. ये डॉर्सल हुआ, ये वेंट्रल हुआ, ये एंटेरियर हुआ, नीचे की तरफ पोस्टीरियर, और ये साइड कहते हैं लेटरल. ये नाम याद रखना चाहिए. सो ये है डॉर्सल, ये है वेंट्रल, लेटरल, एंटेरियर एंड नीचे का जो होता है उसे कहते हैं पोस्टीरियर. अब किडनी कहाँ है, किडनीज आर लोकेटेड टू द डॉर्सल वॉल. यहाँ पर हो, यानी सामने नहीं है किडनी, किडनी होती है पीठ के पीछे की तरफ लगाया गया. इट इज लोकेटेड अटैच टू द डॉर्सल वॉल ऑफ द बॉडी बिटवीन द 12th थोरैसिक टू 3rd लुम्बर वर्टिब्रा. हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है गर्दन के अंदर, यहाँ 7 है, उसके बाद यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक 12 है, 1 से लेकर 12 फसलियाँ होती ना, तो रिप्स, तो उसकी 12वीं जो फसली, यानी जो आखिरी जो फसली है 12वीं से, उसके बाद लुम्बार के पेट के 1, 2, 3. ओके, तो लोकेशन कहाँ है इसका, 12वीं से शुरू होती है, जो सी इन दिस ईयर, ईयर इट स्टार्ट, ये लोकेशन है. ओके, यहाँ पर होती है और
अगर हम सेक्शन कट कर कर देखेंगे, सेक्शन के अंदर देखेंगे, सेक्शन के अंदर यहाँ देखें, आपको देखेंगे ये एक किडनी है, दिस इज द वन किडनी, और ये दिस इज द सेकेंड किडनी, और ये है लंबा, ये वर्टिब्री यानी रीढ़ की हड्डी, यानी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल दोनों साइड में ये यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। ओके, सो लोकेशन है इसका 12वीं थोरैसिक वर्टिब्रा से 3rd लंबार वर्टिब्रा तक एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये लोकेटेड है दोनों किडनी। देन एक किडनी का अगर हम वेट करते हैं, उसका वजन देखते हैं, तो तकरीबन 3 छटाक, यानी 50 ग्राम कहते हैं तो एक छटाक होता है, 150 ग्राम बोले तो 3 छटाक मेल के अंदर होता है, और फीमेल के अंदर थोड़ा इसका वजन कम होता है, ऑलमोस्ट 135 ग्राम इन फीमेल। अब ये किडनी के ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, दैट कवर इट इज कॉल्ड एज अ पेरिटोनियल कवरिंग। ओके, द कवरिंग इज कॉल्ड एज अ पेरिटोनियल कवरिंग, लेकिन ये कवरिंग पूरा किडनी को कवर नहीं करता, कुछ हिस्सा, पीछे का हिस्सा, इसलिए यहां वड़ा लगा गया रेट्रो, रेट्रो मतलब बिहाइंड, पेरिटोनियल कवरिंग। अभी जस्ट सीन दिस फोटोग्राफ, जस्ट यू विल जूम हियर, ये फोटोग्राफ के अंदर देखिए, ये है एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी का एक सेक्शन। ओके, ये ह्यूमन बॉडी का एक सेक्शन है, एक सेक्शन के अंदर आप देखेंगे यहां एक लाइन है, ये अंदर की बॉडी के अंदर एक कवर चढ़ाएगा, ये कवर है, दिस इज द कवर, ये कवर है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में आप यहां पर केयर करेंगे तो ये किडनी के ऊपर कुछ पार्ट कुछ कवर करा उसने, इतना किडनी के पास है, इतना किडनी, बाकी किडनी के ऊपर पेरिटोनियम है क्या? नहीं है, इसलिए इट इज हैविंग ओनली द एंटीरियरली कवर्ड, पूरी तरह से नहीं है, इसलिए कहा रिट्रो पेरिटोनियल। पेरिटोनियल एक कवर है, पर्दा है बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर की, इसको जैसे कि होता है ना, हम अक्सर कपड़ा सीधे अगर पतला रहा तो एक अंदर से और एक कपड़ा लगाते हैं, उसे अस्तर कहते हैं, वैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर एक कवर है, उस कवर को कहते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। देन द शेप ऑफ किडनी, सरफेस ऑफ किडनी, किडनी के अंदर दो सरफेस है, एक बाहर की तरफ स्मूथ का सरफेस है जिसे कॉन्वेक्स सरफेस कहा जाता है, और एक अंदर की तरफ है जिसे कॉनकेव कहा जाता है। अब हमको कॉन्वेक्स से ज़्यादा कॉनकेव सरफेस को देखना है, ये कॉनकेव सरफेस जो पॉइंट है जहाँ नॉचेस है, थोड़ा अंदर दबा हुआ दिख रहा है, उस पार्ट को यहाँ पर हाइलस कहते हैं, यानी ये पूरा पार्ट हाइलस है। ये हाइलस एक ऐसा लोकेशन है, कॉनकेव कैविटी एक ऐसी है जहाँ से ब्लड के वेसल्स, आप देख रहे हैं आर्टरी अंदर गई, वेन बाहर निकली, उसके बाद वहाँ पर नर्व्स, अब नर्व्स क्या होते हैं, ब्रेन से निकले हुए कनेक्शंस को नर्व्स कहते हैं। ओके, ब्रेन से निकलने वाले जो वायर्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, उन्हें हम नर्व्स कहते हैं, सेल्स को, वो भी यहाँ पर कनेक्शन लगाया गया। उसके बाद यूरिन जो जमा कर कर लेकर जाने वाला जो कनेक्शन है जिसे हम यूरेटर कहते हैं, वो भी यहाँ पर है। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, ये हाइलस में से ब्लड की वेसल आर्टरी, ब्लड की वेसल वेन रेनल वेन, उसके बाद ब्रेन से आने वाले नर्व्स का कनेक्शन, और इसका खुद का एक कनेक्शन जिसे यूरेटर कहते हैं। ये इतने चीजें यहां से एंटर भी करती है, यहां से एग्जिट भी करती है। देन इन शॉर्ट वी विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ किडनी, किडनी काम क्या करती है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ किडनी। सो द फंक्शंस ऑफ किडनी में नंबर वन फंक्शन इज आ, इसका काम है टू मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंट एंड बैलेंस। अच्छा, ये इंटरनल इन्वायरमेंट, अभी इन्वायरमेंट हम कई मरतबा बोलते हैं कि इन्वायरमेंट ख़राब हो, इन्वायरमेंट क्या मतलब, नेचुरली ऑकरिंग तमाम जो भी है, गैसेस का है, सॉयल का है, ये सब चीज़ें बैलेंस होना चाहिए। वैसी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी फ्लूइड से भरा हुआ है, फ्लूइड के अलावा अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अंदर मिक्स्ड गैसेस होते हैं, अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, वाटर मिनरल का सॉल्ट का बैलेंस रखना पड़ता है, और वो बैलेंस किडनी करती है। एक्सेस रहा सॉल्ट तो निकाल देंगे, एक्सेस पानी रहा निकाल देंगे, कम हुआ तो हम उसको खाने से या पानी पीकर उसको हम मेंटेन करने का, बैलेंस करने का काम करते हैं। सो ये पहला काम हुआ। बाद में इट एक्सक्रेट द नाइट्रोजिनस मेट, ये चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है कि अनवांटेड जो खाना प्रोटीन से खा रहे हैं हम, यानी अक्सर हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा लेते हैं, तो एक्सेस प्रोटीन को लीवर में ले जाकर उसको ब्रेक किया जाता, एक्सेस कह रहे हैं हम, एक्सेस को, एक्स्ट्रा को तोड़ा जाता, ये केमिकल प्रोसेस से तोड़ा जाता, और तोड़ने के बाद उसको ब्लड में मिलाया जाता, ब्लड से वापस किडनी को पहुंचाया जाता। अब किडनी क्या कर रही है, अमर उस ब्लड में जो अनवांटेड नाइट्रोजिनस वेस्ट है, वो अमोनिया है, यूरिया है,
या यूरिक एसिड। अब ह्यूमन में तो अमोनिया बनता नहीं, बचा कौन सा है, नॉर्मल यूरिया बनता है और कभी कभार अब नॉर्मल में यूरिक एसिड। तो ये एक कचरे को ये सेपरेट करना और बाहर फेंकने का काम भी, एक्सक्रीट करने का काम किडनी करती है। देन किडनी का काम है टू मेंटेन द बैलेंस। आयंस होते हैं कुछ केमिकल आयन जो कि बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, उनका होना ज़रूरी है, जैसे कि सोडियम आयंस है, देन पोटेशियम आयंस है, क्लोराइड आयंस है, ये सब के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने का काम किडनी। देन इट ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ एसिड एंड बेस। माना हाइड्रोजन पोटेंशियल यानी पीएच ऑफ बॉडी के फ्लूइड्स को, मैं बॉडी के अंदर फ्लूइड्स है, हम जनरली बॉडी के अंदर समझते कि सिर्फ ब्लड है, नहीं ब्लड तो है, उसके अलावा वहाँ पर टिश्यू फ्लूइड है, ओके उसके अलावा वहाँ पर सेल्स का अपना खुद का फ्लूइड, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ये बॉडी फ्लूइड्स को पीएच को मेंटेन करना पड़ता है, हर एक का पीएच, ब्लड का पीएच बेसिक होना चाहिए, अगर एसिडिक हुआ तो नुकसान है, यूरिन का पीएच एसिडिक होना बेसिक नहीं चलेगा। तो हर फ्लूइड का अपना एक पीएच है, वो बैलेंस करने का काम भी किडनी करती है। देन इट कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट। हम रोजाना खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसके बाद खाने के अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर सॉल्ट्स होते हैं, पानी के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, तो ये कॉन्स्टेंटली ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ये बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस रखने का काम किडनी करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके जैसे हमारे ब्लड का कंपोजिशन, यानी ब्लड क्या है कि एक लिक्विड फ्लूइड मोबाइल कनेक्टेड इशू है, और इसके अंदर कुछ चीज़ें मिली है प्रॉपर रेशियो में, कंपोजिशन में, वो प्रॉपर और होना चाहिए। किसी का खून ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चलेगा, ज़्यादा पतला भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट उसके अंदर जो अवेलेबल है, वो हम एक चैप्टर ह्यूमन सर्कुलेशन के अंदर उसको डिटेल देखेंगे। देन इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रिमूव द फॉरेन बॉडीज लाइक द ड्रग्स एंड द पिगमेंट। अभी हम लोग कोई दवाई खा लेते हैं, जब कोई सर दर्द दे रहा है, या पैर दर्द दे रहा है, या पेट दर्द दे रहा है, या नींद नहीं आ रही है, या जो भी हमको कुछ इश्यू होता है बॉडी के अंदर, हम टेक द ड्रग्स, दवाइयाँ ले लेते हैं। ड्रग्स लेने के बाद एक्सेस जो ड्रग होता है उसके अंदर का रिएक्शन तो हो गया, लेकिन उसके जो अनवांटेड पिगमेंट्स है, बचे हुआ मटेरियल्स है, वो निकालना पड़ता है। उसके अलावा जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक पी ले रहे, उसके अंदर कलर मिला हुआ है, बाद में आप कोई पिज्ज़ा वगैरह खा ले, उसमें कलर्स मिला हुआ है, केक खा ले रहे, उसके अंदर कलर मिला, ये अनवांटेड केमिकल जो कलरिंग एजेंट्स होते, ये भी एक कचरा है, इसको भी निकालना पड़ेगा, और वही काम किडनी करती है। सो दिस आर द लिस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द किडनी। नाउ अब किडनी को देख रहे कि हम ब्लड के कंपोजिशन को, ब्लड के पीएच को, ब्लड के अंदर के न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन कर रहा है, तो किडनी को ब्लड सप्लाई देना जरूरी है। तो किडनी को ब्लड सप्लाई दिया जाता है, सप्लाई देने के लिए हार्ट, जैसे कि वी नो दैट हियर इज द हार्ट, हार्ट से एक बड़ी ब्लड वेसल बाहर निकलती जिसका नाम है ऑर्टा। ये ऑर्टा बाहर निकलने के बाद वो डॉर्सल से पीछे की तरफ से नीचे जाती है, और नीचे जाने के बाद दो ब्रांच बनाती है, एक राइट किडनी को जाती है और एक लेफ्ट किडनी को जाती है। किडनी का नाम रेन, इसलिए उसका नाम का रेनल आर्टरी, राइट रेनल आर्टरी एंड अ लेफ्ट। ये द रेड कलर जो इंडिकेट कर रहा है, ये ऊपर से आ रही है ऑर्टा, ओके हार्ट से आने वाली ब्लड वेसल है। उसके बाद अंदर ब्लड सप्लाई किया गया, देखो रेड कलर जहाँ तक है अंदर जा रहा, उसके बाद वापस वो बारीक बारीक ब्रांचेस बनाता है, फाइन कर, और बाद में रीयूनाइट होकर वापस ब्लू कलर की लाइन वहाँ से एग्जिट हो रही है, बाहर निकल रही है, वो जुड़ कर बाहर आती है, उसे हम कहते हैं वेन, और यही वेन जाकर बाद में हार्ट को ख़राब खून लेकर जाती है, या डीऑक्सीजनेट ब्लड को लेकर जाती है, और वो वहाँ पर फिर ऑक्सीजनेशन किया जाता, वो एक हम चैप्टर में उसको डिटेल में देखेंगे। देन किडनी को जो ब्लड सप्लाई किया जाता आर्टरी से, और रिकलेक्ट किया जाता है वेन से, तो वेन को कहते हैं रेनल वेन, जो कलेक्ट करती है ब्लड को, एंड इट गोज टू द हार्ट अगेन। नाउ किडनी पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट किडनी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, एक है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये चार चीज़ें, वन इज द किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। हम इसमें से डिटेल देख रहे हैं किडनी, क्योंकि किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, किडनी के फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। तो किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन को फुलफिल करता है। क्या है डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, कलेक्शन एंड इलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट आउटसाइड द बॉडी, ये काम कराता है।
इसलिए किडनी के स्ट्रक्चर को डिटेल देखना जरूरी है। तो हिस्टोलॉजिकली अंदर से किडनी की बनावट कैसी है, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, खड़ा सेक्शन हम किडनी का देखने वाले हैं। पहली बात, किडनी को जब हम कट कर देखेंगे तो किडनी के बाहर एक कवर चढ़ा हुआ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जस्ट जूम इट, तो ये जो स्ट्रक्चर है कि बड़ा पतला सा है, उसको अगर हम खींच कर निकालो तो खींच कर निकालने के बाद ही पतला सा कवर दिखता है, जो कि यहाँ पर एक आउटर कवरिंग है। ये आउटर कवरिंग को है कैप्सूल कहा गया, विच इज मेड अप ऑफ अ फाइबरस कनेक्ट, विच इज मेड अप ऑफ द फैटी टिश्यू, सेमी लिक्विड फैटी टिश्यू, उसके अंदर की कवरिंग होती है जिसे कि टफ फाइबरस कनेक्टेड टिश्यू से बनाया गया, जिसे रेनल फेशिया कहा जाता है। फेशियल मीन्स जैसे कि हम फेशियल शुरुआती स्टार्टिंग फेस होता है। देन किडनी के सेक्शन कट करने के बाद हम देखते हैं कि किडनी के बाहर का कुछ हिस्सा है जो कि थोड़ा अलग डिजाइन में दिखता है, और अंदर अंदर का डिजाइन कुछ अलग दिखता है। बाहर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले को मीडियोला कहते हैं। जैसे कि अब एक फॉर एग्जांपल भी, अभी तो ऑल ऑफ यू हैव सीन वाटरमेलन, अपने सबने तरबूज देखा हुआ, तरबूज को अगर हम कट कर दो, बाहर का एक वाइट लाइन होती है और अंदर एक रेड कलर की लाइन होती है। तो बाहर की जो वाइट कलर की वो आउटर, उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर का जो शेड अलग है रेड कलर है, उसे हम कहते हैं मेड्यूला। तो ऐसी किडनी के अंदर दो पार्ट है, पहला हम देखेंगे कॉर्टेक्स, रेनल कॉर्टेक्स। रेनल क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, किडनी का नाम है रेन, इसलिए रेनल कॉर्टेक्स, किडनी का कॉर्टेक्स। तो किडनी का कॉर्टेक्स जो है यहाँ पर, जब स्टडी किया गया अंदर के पार्ट्स को और बाहर के पार्ट को देखे, तो दोनों के कलर शेड अलग अलग दिखे, डिज़ाइन थोड़ा पैटर्न भी अलग अलग दिखा। तो देखते हैं यहाँ पर कि जो बाहर का पार्ट है, जनरली ये डार्क रेड दिखा, डॉटेड दिखा, देन उसके अंदर वहाँ डॉटेड होने की वजह वहाँ माल्फिजन बॉडीज, अब ये क्या है हम देखने वाले, वहाँ उसके अंदर होता PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अंदर देखने को मिलता है DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये भी हम देखने वाले हैं, डिटेल देखने वाले, ये स्टार्टिंग नाम है। ये हो गया कॉर्टेक्स, बाद में मेड्यूला हम देखते हैं। देखो ये बाहर का कॉर्टेक्स हो गया, ओके, बाहर का जो पार्ट दिख रहा है दिस इज द कॉर्टेक्स। अब ये अंदर का कौन सा दिखे, ये जो यहाँ पर कुछ तो भी डिजाइन खड़े खड़े लाइन्स नजर आ रहे या स्ट्राइटेड पैटर्न्स दिख रहा है, पट्टियां जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह है मेड्यूला। तो मेड्यूला का कलर जो होता है बाहर के कलर से थोड़ा फीका होता है, लाइट रेड कलर होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ पिरामिड शेप स्ट्रक्चर। पिरामिड पता है आपको, इजिप्ट के अंदर हम देखते हैं कि ऐसा जो कि एक तरफ से ब्रॉड है दूसरी तरफ नैरो है, उसे हम कहते हैं पिरामिड। तो यहां पर देखिए ये ब्रॉड, फिर ये आगा नीचे की तरफ नैरो, तो ये ब्रॉड एंड ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर दिखते हैं जिसे हम पिरामिड कहते हैं। तो ये पिरामिडल रीजंस यहां दिखते हैं, इन पिरामिड्स को कहते हैं रेनल पिरामिड, किडनी के पिरामिड्स कहा जाएगा। तो तकरीबन एक किडनी के अंदर किसी में 6 रेनल पिरामिड दिखते, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20, तो 6 से लेकर 20 रेनल पिरामिड। देखो ये 1 पिरामिड, दूसरा पिरामिड, तीसरा, चौथा, फोर्थ, 5, 6, सो ऑन, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। देन एक पिरामिड को हम देखते स्टडी करेंगे, तो एक पिरामिड का ऊपर का हिस्सा चौड़ा है बेस, और एक तरफ है यहाँ पर अपेक्स जो कि काफ़ी नैरो अपेक्स होता है, डायरेक्टेड होता है। ये नैरो अपेक्स में की जो ओपनिंग है उसे कहते हैं रेनल पैपिला। कैन यू सी हियर, दिस इज द रेनल पैपिला, जो कि एक ओपनिंग है अपेक्स की तरफ। देन पिरामिड शो द, पिरामिड के अंदर हमको ऐसा प्लेन डिजाइन नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है कि कुछ लाइंस वहां पर मारे हुए, खड़े लाइंस दिख रहे, ये लाइंस को स्ट्राइटेड कहते हैं, पट्टियां नजर आना, और ये पूरे के पूरे अपेक्स की तरफ जुड़ रहे हैं। देन देखा गया कि एक पिरामिड और दूसरा पिरामिड, इन दोनों के बीच में ये कॉर्टेक्स वाला रीजन जो है ये कंटिन्यू होता हुआ दिखा वहां पर, दो पिरामिड के बीच में कॉलम कुछ कंटिन्यू हुआ। इस कॉलम को एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिटेक्ट किया था जिसका नाम बर्टिनी था, इसलिए उसका नाम रखा गया कॉलम ऑफ बर्टिनी। देन रेनल पिरामिड्स की अगर हम देखते हैं, तो हर रेनल पिरामिड, ये देखिए अब यहां पर ये फोटोग्राफ में देखिए, एक रेनल पिरामिड, दूसरा रेनल पिरामिड, तीसरा रेनल है ना, यहां पर ये रेनल पिरामिड जो है तो वहां पर एक बड़े से कनेक्शन को जोड़ रहे हैं। यहां पर दिख रहे ये छोटे छोटे कनेक्शन है, एक्चुअली एक एक लाइन जो दिख रही है छोटा पाइप है, जुड़ जुड़ कर ये बड़ा पाइप बन गया। ये जो बड़ा पाइप बना उसे कहते हैं द डेट इज कॉल्ड एज अ माइनर कैलिक्स, उसे कहते हैं माइनर कैलिक्स, छोटे छोटे यहां जुड़कर एक माइनर कैलिक्स है। तो ऑलमोस्ट यहां पर इट इज हैविंग द फॉर्मेशन ऑफ माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, यहां पर माइनर कैलिक्स, माइनर,
अब यहाँ होता क्या है कि माइनर कैलिक्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद वहां बनता है एक मेजर कैलिक्स। जस्ट ये फोटोग्राफ में फिर से हम देखेंगे, ये एक माइनर कैलिक्स है, 1 2 3, ये और यहाँ एक ओपनिंग है जो यहाँ चार, ये चारों जुड़कर उड़ के यहाँ पर एक कॉमन पाइपलाइन बन गई मोटी बड़ी साइज की, इसे हम कहते हैं मेजर कैलिक्स, 1 मेजर 2 मेजर मेजर कैलिक्स। ओके, यानी माइनर माइनर जुड़कर मेजर तैयार हो गए यहाँ पर, तो मेजर कैलिक्स। अब और इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पर कि किडनी के अंदर ऐसा एक मेजर, दूसरा मेजर, तीसरा मेजर जुड़कर एक बड़ा सा फनेल शेप, नर्सले जैसा एक शेप तैयार हुआ, ऊपर चौड़ा है और नीचे बारीक बारीक हो गया और थोड़ा नैरो हो गया, ऊपर की तरफ थोड़ा ब्रॉड है ये वाला पॉइंट और नीचे की तरफ नैरो हुआ, उसे कहते हैं रेनल पैल्विस, पैल्विस रीजन। और वही रेनल पैल्विस जब कंटिन्यू होता है तब वहां पर उसके आगे का स्ट्रक्चर, किडनी के आगे का स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसे हम कहते हैं यूरेटर, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा पाइपलाइन जो यूरिन को आगे लेकर जाता है। देन अब किडनी तो हो गया, अब उसके बाद का स्ट्रक्चर आ गया यूरेटर। तो यूरेटर है क्या? यूरेटर का काम सिर्फ है किडनी से उसको लेना और आगे के चेंबर में ले आकर छोड़ना। किडनी काम कर रही है सेपरेट करने का, कलेक्ट करने का और छोड़ने का। ये एक ऐसा पाइपलाइन है जो यहाँ से ले रहा है फैक्ट्री से और ले आकर रख रहा है एक स्टॉक रूम में, स्टॉक रूम इसके बाद है जिसका नाम यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ यूरेटर एक सिर्फ कनेक्शन है जो कि 40 सेंटीमीटर के आसपास उसकी कुल लेंथ होती है और उसके डायमीटर को देखा गया तो 6 मिलीमीटर, बहुत छोटा सा पाइपलाइन होती है। ये दोनों भी, दोनों क्यों कहा कि राइट किडनी का राइट कनेक्शन, लेफ्ट किडनी का लेफ्ट कनेक्शन, ठीक है। दोनों यूरेटर आते हैं और यूरिनरी ब्लैडर जहां पर यूरिन को जमा करना है उसमें ले जाकर उसको कनेक्ट कर दिया जाता, उसको जोड़ दिया जाता। यूरेटर की दीवार को जब डिटेल में स्टडी किया गया तो इट इज मेड अप ऑफ द तीन लेयर से बनी हुई है, आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर इट इज मेड अप ऑफ द फाइबरस प्रोटेक्टिव लेयर, फाइबर से बनी है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि फाइबर्स मतलब क्या, ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज में, एनिमल के टिश्यूज के अंदर हम देखते हैं कि देयर इज द एरुलर फाइबर्स, सॉरी दो फाइबर्स है, एक है येलो फाइबर और एक है व्हाइट फाइबर। येलो फाइबर्स दे आर ऑलवेज इलास्टिक एंड व्हाइट फाइबर दे आर टफ रिजिड, यानी कुछ मजबूती देने का काम करते हैं और कुछ इलास्टिसिटी देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये इलास्टिक होता है, फाइबरस कनेक्टिव कवरिंग है, मजबूती भी दे रहा है। मिडल लेयर बनी है वहाँ पर स्मूथ मसल से, नॉन स्ट्राइडेड मसल, और इसका कनेक्शन आता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन के लिए। अंदर की जो तीसरी लेयर है वो म्यूकस की, एक चिपचिपा सा पानी लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि जो ऊपर से जो केमिकल छनकर आ रहे उसके पाइपलाइन को खराब नहीं करना, स्लिप होकर निकल जाना बोलकर लगाया गया। अब ये यूरेटर का काम क्या है? टू कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, बस इसका इतना ही काम है कि वहां से ऊपर से लेना है, ये देखिए ये है यूरेटर, ये किडनी से लेना है यहां पहुंचाना है, बस इतना ही काम है। ये दो राइट एंड लेफ्ट यूरेटर। अब उसके बाद आप क्या है, उसके बाद पहला किडनी हुआ, यूरेटर हुआ, अब है ब्लैडर जिसमें यूरिन रखा जाता है, उसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर माना क्या है? द मीनिंग ऑफ ब्लैडर इज नथिंग बट सम पाउच लाइक थैली जैसा कुछ जिसमें रखा जाएगा, पाउच, दैट ब्लैडर। तो यहां पर इसका शेप देखा गया, एक पियर शेप, पियर मतलब कैसा, एक जाम जैसा होता ना पेरू, उसके शेप के जैसा, या फिर इंटरनली इट इज लाइंड बाय द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब एपिथेलियम बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है यहाँ पर, एपी मतलब ऊपर, थेलियम मतलब लेयर, एक सबसे पहली ऊपर की, लेकिन उसके पहले एक वर्ड है जिसका नाम है ट्रांजिशनल, बीच माला। ट्रांजिशनल स्टेज ऐसा होता है जो कि ना पूरी तरह से डेवलप हुआ ना पूरी तरह से अभी बना भी नहीं, बन गया, ये बीच की स्टेज होती है। तो वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेक्शन है, जरा इसको जूम कर हम देखेंगे तो ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर के इतने टुकड़े को, दीवार को अगर हम जूम करेंगे तो वी कैन सी डेट हियर आर द सम सेल्स, ये है वो सेल्स, ये सेल्स की वो लेयर है जो अंदर की सबसे पहले जिसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम लेयर। ओके, ये वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो काम क्या है ट्रांजिशनल में, ये जैसी यूरिन आता है सुबह से जब हम पानी पी लेते हैं खाना खा तो यूरिन बनता है, छोड़ा गया यूरिन बन रहा है छोड़ता गया, तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो फैलता है, एक्सपांड होता है, एक्सपांड होता है, एक्सपांड हो एक लिमिट, वो एक्सपांड होने में ये मदद कराता है, उसमें हेल्प कराता है। और इसकी दीवार अगर हम और डिटेल में देखेंगे, ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अलावा
और कुछ सेल्स की दीवार यहां पर प्रेजेंट है. सो द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज फॉर्म फ्रॉम स्मूथ मसल्स. एक बेसिक कंसेप्ट है, मसल दो टाइप के हैं, ऐसे तो तीन है लेकिन हम दो की इंपॉर्टेंट बात करें. तीन कौन से, पहले देखो, पहला नाम है स्मूथ मसल, दूसरा स्ट्राइटन मसल, तीसरा है कार्डियक मसल. अभी कार्डियक हार्ट पर होते सिर्फ. अब रह गया स्मूथ मसल का है, जहां पर बोन नहीं है, हड्डी नहीं है, वो जितना बॉडी का पार्ट जहां पर मूवमेंट दिखती है, हरकत होती है, वो स्मूथ मसल से बना है. और जहां पर बोन है उसके ऊपर जो मस लगा हुआ है, मसल तक है, वो स्केलेटल है. तो यहां पर बिना बोन वाला है, स्मूथ है, और इनका कनेक्शन, इनकी मूवमेंट वो पूरे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है. सो यहाँ एक खास स्मूथ मसल बनाए गए जिसका नाम है डेट्रूसर मसल. सो डेट्रूसर मसल्स को यहाँ हम जूम कर देखेंगे. ये वो पार्ट है जहाँ पर इसके वॉल का, यहाँ ये एक दो तीन चार लेयर की बनी है, यहाँ से तो यहाँ तक, ये डेट्रूसर मसल. डेट्रूसर मसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है यूरिन बॉडी से बाहर निकलते वक्त कॉन्ट्रैक्ट होना, बाद में रिलैक्स भी होना, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो यूरिनरी ब्लैडर कंसिस्ट ऑफ द ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर. बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर दिखता है. ये ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर का नाम ट्राइगॉन है, जिसके अंदर तीन ओपनिंग्स पाई जाती है. जस्ट सी द इन द फोटोग्राफ, देयर आर द थ्री ओपनिंग्स, वन ओपनिंग, सेकेंड ओपनिंग एंड थर्ड ओपनिंग. ये तीन ओपनिंग कौन से, ऊपर से जो आया यूरेटर यहाँ ओपन हुआ पीछे से, ये ऊपर से आया दूसरा यूरेटर ओपन हुआ यहाँ पर, और ये जो यूरिन बाहर निकलता है आगे, तो वो तीसरी ओपनिंग है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा के अंदर ओपन होती है, जो कि लास्ट पार्ट है एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन का. बाद में यूरिन रिवर्स फ्लो हो सकता है प्रेशर के बाद, जब यूरिनरी ब्लैडर अगर प्रेस होता है, यूरिन रिवर्स हो सकता है, तो ये दोनों ओपनिंग यूरेटर को ऐसा दबा देते हैं और यूरिन रिवर्स होने नहीं देते. तो यहाँ ओपनिंग रिवर्स नहीं, तो यूरिन निकलता सिर्फ एक ही रूट से, एक ही डायरेक्शन में, वो होता है आगे का एक ओपनिंग. देन यूरिनरी ब्लैडर क्लियरली ना कोई यूरिन बनाता है, कुछ नहीं करता है, सिर्फ उसका काम है ऊपर से जो यूरिन यूरेटर लेकर आते हैं उसको टेम्पररी स्टोर करना. इट इज़ अ टेम्पररी स्टोर हाउस अप टू 500 टू 1 लीटर, यानी 500 आधा लीटर से लेकर 1 लीटर तक वहाँ पर यूरिन को जमा कर रखता है. बस इतना ही काम है. कब तक रखता है, जब तक यूरिन बॉडी से बाहर निकाला नहीं जाता, उसकी लिमिट है, उतने बाद उसको निकालना ही पड़ता है. ये होगा सेकेंड थर्ड पार्ट. And the last part of the excretory system is a urethra. ये सबसे छोटा होता है, last part होता है जिसमें urine या unwanted material, waste, organic material, waste, metabolic material outside the body दिया जाता है एक connection से, उस connection का नाम है urethra. तो it arises from the urinary bladder and opens outside the body through an aperture called as the urinary aperture. Then between bladder and urethra, ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में कुछ कनेक्शंस लगाए गए जिसकी मदद से ये ओपनिंग जो होती है, ये दरवाज़ा जो है वो खुला नहीं रहता, ये हमेशा बंद नहीं रहता. ऑब्वियसली जब यूरिनरी ब्लैडर में एक लीटर यूरिन जब जमता है तो यूरिन नीचे निकलने का डर है, प्रेशर से गिर सकता है या फुल हो गया बल्कि जा सकता, नहीं जाता है. उसकी वजह वहाँ पर दो दरवाजे लगाए गए, स्पिंक्टर्स जिसे हम कहते हैं, पावरफुल स्मूथ मसल से बने, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल. तो ये यूरेथ्रा के अंदर का इंटरनल जो स्पिंक्टर है ये इनवॉलेंट्री है और इट ब्रिंग फॉर्म फ्रॉम द स्मूथ मसल. इनवॉलेंट्री मतलब इसका कनेक्शन ब्रेन से लगाया गया, ये ब्रेन के ऑर्डर से खुलता है, जनरली ब्रेन के ऑर्डर से खुलता है. ये छोटे बच्चों के अंदर ये डेवलप किया जाता है, छोटे बच्चों में बचपन से तैयार होता है, इसलिए जैसी यूरिन का ब्लैडर फुल हो गया, यूरिन आउटसाइड निकलने के लिए ऑर्डर आ जाता, खुल जाता. लेकिन जो दूसरा वाला एक्सटर्नल स्पिंक्टर है ये वॉलेंट्री है और ये फॉर्म होता है 5 साल की एज के बाद, ये डेवलप होता है 5 साल के बाद ही. देखते हैं छोटे बच्चे अगर बेड के अंदर यूरिन कर देते, उसका रीजन क्या है, उसके स्पिंक्टर्स डेवलप नहीं होते, ऑर्डर आया अंदर के खुल गए, बाहर वाले खुद के कंट्रोल में होते हैं, वो वॉलेंट्री होते हैं. दैट्स वाई यू कैन सी हियर दीज आर द इंटरनल स्पिंक्टर्स एंड हियर आर द सम एक्सटर्नल स्पिंक्टर. ये दोनों यूनानिमसली काम करते हैं और यूरिन को आउटसाइड करना है या रोक, कुछ देर के लिए रोकना है या निकाल देना, यह काम किया जाता है. सो यूरेथ्रा की लेंथ हम देखते हैं मेल के अंदर, फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर यूरेथ्रा की लेंथ अलग होती है, क्योंकि फीमेल में यूरिन और जेनाइटल ऑर्गन अलग अलग, मेल में यूरिन और जेनाइटल ऑर्गन सेम है. इसलिए द मेल द फीमेल इज हैविंग अबाउट द 4 सेंटीमीटर
क्योंकि जेनाइटल ऑर्गन इनका अलग है, यूरिन यूरेथ्रा सेपरेट होता है. मेल के अंदर द टोटल लेंथ ऑफ द यूरेथ्रा इज अबाउट अराउंड 20 सेंटीमीटर. इसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के अंदर 2.5 होता है, और यहां से यहां तक 15 जो पेनाइल लेंथ होती है, यानी ओवरऑल 20 सेंटीमीटर का यहां पर लेंथ होता है. सो विल स्टॉप हियर. ओके.